अक्सर लोग पीरियड के समय में कुछ गलतियाँ करते हैं जो गलतियां को दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे यह पाँच गलतियां को जानने के बाद इस वीडियो के लास्ट में पीरियड से होने वाली सभी समस्याएं, अधिक दर्द करना समय में पीरियड न आना दोस्तों आदि सभी समस्याओं का उपचार आयुर्वेदिक सिरप के माध्यम से जानेंगे जो इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले जानते हैं दोस्तों पीरियड के दौरान क्या ऐसे पांच गलती हम करते हैं सबसे पहला है पैड को न बदलना समय समय पर पैट बदलना काफ़ी बहुत ही जरूरी है ताकि इन्फेक्शन न हो सके अधिकतर ज़्यादा बहाव के दिनों में हर बार चार से आठ घंटे के अंदर में पैड को जरूर बदले और उनकी सफाई नियमित रूप से समय पर ध्यान से करना ही चाहिए कॉफ़ी अगर आपको लगता है कि पीरियड या महावारी के दौरान काफ़ी का इस्तेमाल करना अच्छा होता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसके दौरान काफ़ी का सेवन शरीर को डिहाइड्रेट करता है जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है दर्द निवारक गोलियां या दवाएं माहवारी या पीरियड के दौरान माहवारी में पेट कमर या हाथ पैर में दर्द होना बेहद ही सामान्य बात है दोस्तों लेकिन अगर आप हर बार इस दर्द से बचने के लिए अगर आप किसी मेडिकल स्टोर या एलोपैथिक दवाई का आप इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों यह बेहद काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं या इनके और कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इसलिए इनसे आपको बचना चाहिए आप इससे बचने के लिए किसी खुशबू या परफ्यूम या सेंट का उपयोग न करें उचित रूप से नींद न लेना अक्सर पीरियड के दौरान दर्द और चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है जिससे बचने के लिए शरीर को आराम और नींद की जरूरत काफी होती है दोस्तों ऐसे में पर्याप्त नींद न लेना स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं यह रहा लगभग चार से पाँच गलतियाँ जिसको हमको ध्यान में रखना ही है अब बात करेंगे पीरियड से संबंधित या बच्चेदानी से संबंधित अगर किसी भी प्रकार से समस्या हो तो दोस्तों आप इसका उपयोग या इसके निवारण के लिए एक शानदार आयुर्वेदिक टॉनिक गायनाडोक रस का आप इस्तेमाल करके आप चाहे बच्चे में गांठ हो चाहे बच्चेदानी में छाला हो पीरियड समय में आना या ना आना सफ़ेद पानी का आना कमर दर्द होना किसी भी प्रकार के महिला की शारीरिक कमजोरी आदि सभी समस्याओं में यह सिरप काफ़ी शानदार काम करती है दोस्तों इनका इस्तेमाल खाना खाने के एक घंटे बाद सुबह शाम इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करते समय आपको नींबू अचार अधिक मिर्च तीखा दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है और पानी का सेवन आपको अधिक मात्रा में करना है अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ही वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार